सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आपने भी LT ग्रेड असिस्टेंट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म आया है वो आप भर रहे हैं, ठीक है, या फिर भर चुके हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं होता आपको इसको देखने का, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर आप जानेंगे कि आप जो है इस एग्ज़ाम में कहाँ पर डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर GS सेक्शन की हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। GS सेक्शन में आज हम यहाँ पर 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन 12 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं तो आपको 7 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, ठीक है। अगर आपके इससे कम जो है सही होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है शुरुआती स्टेज में हैं और यहाँ से जो है आप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी होती है तो यहीं से क्यों नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी शुरुआत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जो है इस चीज़ को आगे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो उन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आराम से आप एग्ज़ाम को जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसमें 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 7 मार्क्स लाने हैं। आपको कितने मार्क्स मिले ये ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। एक मिल रहा है तो एक, जीरो मिल रहा है तो जीरो, ठीक है। आपको ज़रूर पता चलना, पहले सबसे पहले अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको अपनी गलतियाँ जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो कमियाँ हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको सही करना है, ठीक है। तो जो है वहाँ पर सिंपल से अपने मार्क्स लिखिए और धीरे धीरे देखिए आप इसी तरीके से हम सीरीज चलाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में आपके नंबर भी जो है बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बुक लिखी है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, तो मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और एग्ज़ाम की भी, तो 6 मंथ करंट अफेयर्स की मैंने बुक लिखी है हिंदी में, ठीक है। आप इस बुक को मंगा सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को आप किस तरीके से मंगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, ठीक है, करंट अफेयर्स लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे इस वीडियो के नीचे देखिएगा, ठीक है। तो उस वीडियो लिंक पर आप क्लिक करिएगा और इस करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। ये पूरी तरीके से हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। तो 9 रुपये से है, 9 रुपये में है और पेटीएम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। मैंने सारा मेथड आपको इस बुक के बारे में जिस वीडियो में बताया था उसमें बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं और आज की हम इसको शुरू करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना देखेंगे आज का, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है हमको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है हमको ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष में ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 6 वर्ष बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, उनके बदले नए सदस्य आते हैं, ठीक है। तो एक तिहाई जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल बाद जो है रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। हमको बताना है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 1947 यानी कि 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। तो अगर आपका ये सही है तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जिन लोग के दोनों सही हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ये वाला, तो 2 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट करते चलिएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स भी लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। हमको बताना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है,
ठीक है। ऑप्शन ए है 355, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 358, ऑप्शन डी है 370, ठीक है। तो हमको बताना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 370, ठीक है। 370 के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जिससे कि इसका संविधान अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आदेश लागू होते हैं ये यहाँ की जो संविधान है उसी के तहत लागू होते हैं, तो इसका अपना खुद का भी संविधान है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, नवजागरण काल से सती प्रथा को समाप्त करवाने का सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करवाने का सर्वाधिक योगदान किसका है हमको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। हमको बताना है सती प्रथा को समाप्त करवाने का सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक योगदान दिया सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करवाने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, ठीक है। हमको बताना है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, यानी कि वहाँ उसका बंदरगाह कहाँ पर है, कहाँ पर था, ठीक है, सिंधु सभ्यता का। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी है रोपड़, ठीक है। तो हमको बताना है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। अगर आपने नहीं बताया तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोथल, ठीक है। लोथल को जो है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है, ठीक है। तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पतन नगर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है हमको ये बताना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो जिनका ये सही है वो एक नंबर यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमको बताना है विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन, ठीक है। ई और इसमें ई नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी है फाइब्रिन, ठीक है। तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लेविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, कालाजर किस प्रकार फैलता है, ठीक है। तो कालाजर जो है एक ज्वर है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये किस प्रकार फैलता है। तो ऑप्शन ए है घरेलू मक्खी के काटने से, ऑप्शन बी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी है सिकता मक्खी के काटने से और ऑप्शन डी है खटमल के काटने से, ठीक है। तो कालाजर किस प्रकार फैलता है हमको ये बताना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सिकता मक्खी के काटने से कालाजर फैलता है, ठीक है। तो बेसिकली इस बीमारी में जो है, इस रोग में लीवर पे और रीढ़ की हड्डी पे जो है इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर, ठीक है। तो हमको बताना है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो थोड़ा सा वीडियो को जो है रोक रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए असम, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर जो है भारत के असम राज्य में बना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस, ठीक है। तो हमको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है।
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर दे देंगे सही। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमको बताना है गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। हमको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है, और इसीलिए जो है इस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि आपने बेसिकली सुना ही होगा, ठीक है, कि चीनी जो बनती है वो गन्ने से ही बनती है। ठीक है, इसके बाद आज की इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, सुराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये थी आज की क्विज, 12 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप जान पाएंगे सकते हैं कि आप लोग जो है कहाँ पर डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, शायद कुछ लोगों को बहुत आसान लगे होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिन लोगों को ये कठिन लगे होंगे। ठीक है, जो लोग जो है पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे।